सभी की ओर से और अपनी ओर से धन्यवाद करना चाहूँगी एम सर का उनकी बातें बहस बातें नहीं थी इट वॉज डेफिनेटली अ मोटिवेशनल टॉक एक मोटिवेशनल स्पीच थी और मुझे उम्मीद है कि उनकी सारी कही बातें हमको आगे और बेहतर करने के लिए फोर्स करेंगी एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे हमारे एम सर के लिए और उनके बिहाफ पे आप सबसे कह देती हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग साथ जुड़ते गए और कारवां बनता गया और ये कारवां इतना बड़ा बन चुका है सर ने कहा ना 16 बरस की वाली उम्र को सलाम सोलह बरस की जो उम्र होती है वो बहुत ही खास होती है ना आप बच्चे होते हैं लेकिन आप बड़े होने के लिए तैयार होते हैं और मैं जानती हूँ मॉरल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज कितना बड़ा बनने के लिए तैयार है अपनी तालियों से एक बार बजा देंगे इतना बड़ा बनने के लिए यस एडिज एंड टाइम टू मूव फॉरवर्ड चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारे अगले वक्ता को यहां पर आमंत्रित करना चाहूंगी आपकी तालियों की गूंज के बीच बुला रही हूं यहां पर हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभय सर को जोरदार शोर शराबा मोरल जगाना है भारत निर्माण सम्मेलन में कंपनी के चेयरमैन साहब अभिभावक मैं सत सत नमन एवं वंदन करता हूं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब को मैं सत सत नमन एवं वंदन करता हूं सीनियर डायरेक्टर एजुकेटिव डायरेक्टर को मैं सत -सत सत सत नमन एवं वंदन करता हूँ इस शिवाजी की धरती पे, छत्रपति शिवाजी के धरती पे, आज भारत के हर स्टेट हर राज्य से आए हुए मैं अपने क्रांतिकारी भाइयों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ मेरे साथियों आज भारत की आर्थिक नगरी यानी भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के इस भारत महासम्मेलन में आज हम लोग उपस्थित हैं आर्थिक नगरी मतलब अर्थ की दुनिया अर्थ की दुनिया में आज हम लोग बैठे हुए हैं तो आज यहां पे उपस्थित सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि इस अर्थ की दुनिया में इस आर्थिक राजधानी से में आज संकल्प लें कि मैं पूरे भारत को आर्थिक आजादी दिलवाऊंगा पूरे भारत को मोरल रूपी अमृत का जलपान करवाऊंगा मोरल रूपी अमृत को हर घर में पहुंचाऊंगा ये आज हम लोगों को संकल्प लेने का मौका है क्योंकि आज हम लोग सोलहवें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं अभी अभी आप सबों ने केक काटा हम सबों ने केक खाया अब आगे हम लोगों की जिम्मेवार और भी बढ़ रहा है क्योंकि आज से हम लोग सोलहवें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं अभी सर ने बताए कि सोलह वर्ष बहुत ही नाजुक होता है इसे बहुत ही होशो हवास से संभालना पड़ता है इस उम्र को इस समय को तो और हमारे संविधान के अनुसार 18 वर्ष में वयस्क माना जाता है यानी आज से तीन वर्ष जो समय है जो वयस्क बनने का समय है तो इस उम्र को इस थ्री इयर्स को इतनी ताकत से इतनी जोश से इतनी होशियारी से यूज करना है कि पूरी भारत को आर्थिक आजादी दिलवाना है मेरे साथियों पूरी भारत को आर्थिक आजादी दिलवाना है आज हम लोगों के बीच में बहुत सारे सेलिब्रिटी एक्टर समाज सेवक आज हम लोगों के बीच में उपस्थित होने वाले हैं आज हम लोग उनकी भी स्वागत करेंगे तहे दिल से स्वागत करेंगे मोरल में और बहुत सारे एक्टर आपके साथ आज से जुड़ने जा रहे हैं मोरल की परिवार बनने जा रहे हैं इसके लिए आप सबों को ढेर सारी बधाई मेरे साथियों आज बहुत बड़ा कार्यक्रम होना है और हम लोग तो मिलते ही रहते हैं क्योंकि आज सम्मान का दिन है उत्साह का दिन है तो मैं अपनी बानी को समाप्त करने जा रहा हूं मोरल जगाना है मोरल जगाना है जय मोरल जय। वेल थैंक यू सो मच अभय सर फॉर योर वर्ड्स